सरकार भले ही शिक्षा का स्तर सुधरने के बड़े बड़े दावे करती रही हो, मगर उनका ध्यान जर्जर होते भवनों पर नहीं जाता। और जहां भवन ही खस्ता हालात में हो, वहां की शिक्षा का क्या स्तर होगा, इसका अंदाजा भर लगाया जा सकता है। लगभग 30 साल पुराने दमुआ कन्याशाला की छत अचानक गिर पड़ी, जिसके नीचे बैठे दो लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि दमुआ कन्याशाला भवन 1982 में बना था। इस भवन को बने लगभग 38 साल हो चुके हैं और जब से यह भवन बना है तब से अब तक इस भवन में एक बार भी मरम्मत का काम नहीं हुआ है। और आखिरकार इस भवन की छत ने दम तोड़ ही दिया और भड़बड़ा कर गिर पड़ी। नीचे बैठे छिंदवाड़ा के दमुआ कन्याशाला के अतिथि एक शिक्षक और वृद्ध महिला कर्मी घायल हो गए। छत का प्लास्टर काफी समय से गिरने लगा था, वहीं 10 सालों से स्कूल की छत भी टपक रही है और अब छत गिरना शुरू हो गई है। अभी एक हिस्से की छत गिरी है, अगर मरम्मत नहीं कराई गई तो आगे जाकर एक बड़ा हादसा भी हो सकता है। लेकिन विभाग इतना लापरवाह है, या यूं कहें कि शायद किसी हादसे के इंतजार में है, इस मामले में संज्ञान ही नहीं ले रहा है। स्कूल के रखरखाव के लिए आने वाली राशि इतने वर्षों से कहां खर्च हुई, या उस राशि का किस किस के बीच बंदरबांट हुआ, इस पर भी सवाल या निशान लगना शुरू हो गए हैं। स्कूल की प्राचार्या इस मामले में बचती हुई नजर आई। जब उनसे इस मामले में सवाल किया गया तो उन्होंने इस मामले में कुछ भी कहने से मना कर दिया और कहा कि गिर गया तो गिर जाए। इस छत के गिरने का दोष उन्होंने कांग्रेस पर मढ़ दिया। वैसे आपको बता दें कि अपनी विवादित कार्यप्रणाली के कारण प्राचार्या हमेशा से ही सुर्खियों में रहती हैं। यह कन्याशाला दमुआ में पदस्थ प्राचार्या पहले जुनार देव में प्राचार्या थी। 2019 दिसंबर को चर्चित एक मामले में लापरवाही बरतने में उन्हें कमिश्नर द्वारा निलंबित कर दिया गया था, जिसके बाद वे फिर दमुआ में कन्याशाला में प्राचार्या के रूप में पदस्थ हैं। यहाँ पे मैं आया, बैग रखा, बैग रख के यहाँ पे बैठा था और उतने में भाई यहाँ से साफ सफाई कर रही थी तो अचानक ये ऊपर से गिर गया, तो उनको हाथ में लगी, उनको लेके गया डॉक्टर के पास में। मेरे भी बक्खे पे यहाँ पे गिरा था, बक्खे पे लगा। दो मिनट की बाइट मैडम दे देते ना, बाइट देना जरूरी है ना आप। अरे उनसे मतलब नहीं, आप जिम्मेदार रहे ना यहाँ की। ऐसा नहीं होता ना मैडम, कुछ भी थोड़ी लिख देंगे। तुम्हारे कांग्रेस वाले ने फालतू का और फिर क्या फालतू का यू। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।